आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले अट्रैक्स ड्रॉप के बारे में, जिसका उपयोग किया जाता है बच्चों में एलर्जिक कंडीशन में और एनेक्सिटी में। तो इसको मैन्युफैक्चर करते हैं वह रेड्डी लैबोरेटरी है और इसका जो कंटेन है वह हाइड्रोक्सिन 6 mg है ईच 1 ml में, जिसका 15 ml का पैकेट है, जिसकी कॉस्ट है 52 rupees। तो एट्रेक्स ड्रॉप के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी कि इसे किन कंडीशन में उपयोग करना चाहिए और इसके क्या साइड इफेक्ट और क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, इसे डॉक्टर कब प्रिस्क्राइब करते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर हम एट्रेक्स ड्रॉप के पैक को अगर ओपन करते हैं तो इसमें हमें एक ड्रॉपर कैलिपर मिलता है और साथ में एट्रेक्स मिलता है, जिसका तो इसका उपयोग तभी करना है जब बच्चों में एलर्जिक कंडीशन है, जैसे उसे स्वेलिंग आया है, रैसेस है, या उसे बहुत ज़्यादा खुजली हो रहा है, या बच्चों में एक्जिमा हुआ है, डर्मेटाइटिस हुआ है या सोरियासिस हुआ है, तब इसका उपयोग किया जाता है। उसमें खुजली रैसेस हुआ है तब इसका उपयोग किया जाता है, या बच्चों में एलर्जिक कंडीशन जैसे कि सर्दी खांसी या बहुत ही छींकें आ रही है तब इसका उपयोग किया जाता है, या बच्चों को नींद कम आ रहा है तब इसका उपयोग किया जाता है। तो अगर इसका फ़ायदा लेना है उपयोग करके तो एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लें। आप खुद से उपयोग करते तो हो सकता है बच्चों में साइड इफ़ेक्ट देखने को आ सकते हैं, जैसे कि बच्चों को ज़्यादा नींद आ सकती है, उसे उल्टी आ सकती है, जी मचला सकता है और उसका पेट अपसेट हो सकता है और उसे कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, उसका स्टूल हार्ड हो सकता है। तो इस तरह के साइड इफ़ेक्ट, अगर इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो जैसे आप पिलाना स्टार्ट करते हैं देखेंगे कि आपको फर्स्ट सेकेंड डोज में ही बच्चों को इम्प्रूवमेंट देखने को आ जाता है। जो खुजली वगैरह हो रही थी बच्चों में वो कम होने लगेगी, जो स्वेलिंग वगैरह था वो कम हो जाएगा, तो जो एक्जिमा डर्मेटाइटिस जो सोरियासिस में जो खुजली हो रहा था वो भी कम हो जाएगा। इसके डोसेस के बारे में बात करें, अगर बच्चा 3 महीने का है या अगर बच्चा 3 kg का है तो उसका डोसेस रहेगा ऑलमोस्ट 6 drops, या बच्चा 4 kg का तो उसका 8 drops, और बच्चा 5 kg का तो उसे 10 drops। तो ये डिपेंड करता है जिस तरह से डॉक्टर बताते हैं आपको बच्चे को पिलाने के लिए, आप उसे ज़रूर फॉलो करें। ये डिपेंड करता है बॉडी वेट पे। तो अगर वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है और आप फ्यूचर में ऐसे ही मेडिसिन से जुड़ी जानकारी से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपका डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।